हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन कैची फ्लेवर्स। आज हमारे किचन में चाट डे है और हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस दही पूरी चाट, बटाटा पूरी भी कहते हैं इसे। साथ ही हम बनाएंगे बहुत ही डिलीशियस इमली की चटनी। शेयर करूंगी मैं आपके साथ इसकी रेसिपी, जो कि चाट की जान होती है। और हरी चटनी बनाएंगे हम, और साथ ही हम एक स्पाइस मिक्स बनाएंगे, जिससे कि चाट का टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाएगा, बहुत ही अमेजिंग हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। इसके लिए हम डेट्स भिगो लेंगे थोड़े से, और इमली लेंगे हम। दोनों को हम अच्छे से गर्म पानी में भिगो कर थोड़ी देर के लिए रख देंगे। तकरीबन आधे घंटे के लिए हम इन्हें भिगो कर रख देंगे। जब तक हम इन्हें भिगो कर रखते हैं, तब तक हम अपनी ग्रीन चटनी प्रिपेयर कर लेते हैं। इसके लिए हम लेंगे प्याज, एक प्याज ले लेंगे हम, दो लहसुन की कलियां, पांच छह हरी मिर्चें और बेसन की पकौड़ियां, बूंदी जो आती है वो हमें इसमें डालनी है। हरा धनिया हम डाल देंगे काट के, नींबू का रस, और साथ में नमक डाल के इसे ग्राइंड कर लेंगे। हरी चटनी हमारी बनकर तैयार है। इसे हम अब साइड में रख देंगे। बहुत ही अच्छी कलर की चटनी बनकर तैयार हुई है। तो आइए अब हम इमली की चटनी तैयार कर लेते हैं। जो हमने इमली और डेट्स भिगो कर रखे थे उनको हम देख लेते हैं। ये देखिए, ये सॉफ्ट हो गए हैं। इन्हें हम अब अच्छे से क्रश कर लेंगे, और जितने भी सीड्स इसमें हैं उन्हें निकाल कर फेंक देंगे अच्छे से इन्हें क्रश करके। ये देखिए कुछ इस तरीके से हो गए हैं। अब एक ग्राइंडर में हम इसे डाल लेंगे। साथ ही हम इसमें वो भीगे हुए खजूर भी डाल देंगे, और इसे अच्छे से इनका पेस्ट बना लेंगे। अब एक पतीले पर मैंने छन्नी रख ली है, इसे अच्छे से हम छान लेंगे, और नीचे जो इसका इमली का रस निकल आएगा उसकी हम चटनी प्रिपेयर करेंगे। ये देखिए, ये अच्छे से छन गया है, थोड़ा सा इसमें रह गया लास्ट। हम नीचे से छन्नी के नीचे से भी उतार लेंगे पूरा पल्प। इस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि नीचे लगा रह जाता है तो इसे निकालना बहुत ज़रूरी है। ये पूरा पल्प हम यूज़ नहीं करेंगे, आधा पल्प हम फ्रीज़र में स्टोर करके रख देंगे, ताकि हम कभी भी आगे बनाएं तो ये इंस्टेंटली हमारी चटनी बनकर तैयार हो सकती है। तो एक पैन लीजिए, उसमें अब आप इमली का आधा पल्प डाल दीजिए और इसे गर्म कर लीजिए। थोड़ा सा गर्म होने के बाद इसमें हम गुड़ ऐड कर देंगे। गुड़ को आप चाहे काट के डालिए, चाहे साबुत ऐड कर दीजिए, दोनों ही सूरतों में ये मेल्ट हो जाएगा। थोड़ी ही देर में इसके बहुत ही छोटे टुकड़े रह जाएंगे, तो इसे हम अच्छे से उबाल लेंगे। थोड़ी देर इसे उबालने के बाद थोड़ी सी इसे रिड्यूस करना है हमें, थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। तो अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। स्पाइसेस में हमें इसमें काला नमक, नमक, कश्मीरी लाल मिर्च, सौंठ पाउडर और सौंफ पाउडर ऐड कर देना है, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम सारे मसालों को ऐड करने के बाद चटनी बनकर तैयार है आपकी। अब आप गैस बंद कर दीजिए, इसे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, नहीं तो ये ठंडा होने के बाद बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। देखिए, ठंडा होने के बाद मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा रही हूँ, बिल्कुल परफेक्ट है ये। इतनी ही रखनी, हमने रनी रखनी है कड़छी के पीछे, इसका ऐसे लेयर बननी चाहिए। सौंठ हमारी बनकर तैयार है। अच्छा, एक और बात मैं आप लोगों से शेयर करूं कि जो मैंने आपको बताया है कि आप कर सकते हैं स्टोर इमली, अगर आप नहीं करना चाहते तो आप इमली की रेसिपी आधी कर दीजिए। जैसे कि आप, मैंने आपको 200 ग्राम दी है, तो आप 100 ग्राम इमली लीजिए, लेकिन डेट्स और गुड़ आप सेम मेजरमेंट लीजिएगा। सिर्फ इमली की रेसिपी आधी कर दीजिएगा आप उसमें। तो आप अगर स्टोर नहीं करना चाहते तो इस तरीके से आप रेसिपी को यूज़ कर सकते हैं। ये हमारी चटनी बनकर तैयार है। इन सीड्स से आप इनको गार्निश कर सकते हैं। अब हम चलते हैं स्पाइस मिक्स बनाने की तरफ। बहुत ही अच्छा स्पाइस मिक्स सारी चाट वगैरह के लिए ये बनकर तैयार होता है। पैन में एक हम ज़ीरा डाल लेंगे, मेजरमेंट्स मैंने दिए हुए हैं आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हैं। काली मिर्च, साबुन धनिया और चार लाल मिर्चें डाल देंगे हम इसमें। इसे धीमी आंच पर रोस्ट करना है हमें, हाई फ्लेम पर नहीं करना है। बस थोड़ा सा गर्म होने पर ही इसे ग्राइंडर जार में डाल देंगे, और थोड़ी सी स्पाइसेस ऐड करनी है हमें इसमें। इसमें हम डालेंगे काला नमक, चाट मसाला, कश्मीरी लाल मिर्च और पुदीना लीव्स, जो ड्राइड होती हैं उसे हम थोड़े से डाल देंगे। पुदीना लीव्स से टेस्ट बहुत अच्छा आता है स्पाइस मिक्स में, और इसे हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। हमारा स्पाइस मिक्स बनकर रेडी है। इसे हम किसी भी तरह की चाट पे, दही भल्ले, चाट पापड़ी, किसी में भी यूज़ कर सकते हैं आप। बहुत ही अच्छा टेस्ट देगा ये आपको। अब हम आलू तैयार कर लेते हैं, जो हमें चाट में फिल करने हैं। आलू हम छोटे छोटे काट कर तैयार कर लेंगे इस तरीके से।
सारे आलू हम काट लेंगे और थोड़ा सा नमक डाल के इसमें हम साइड में रख देंगे। थोड़ा सा नमक डालना है और मिक्स कर दीजिए इसे। मैंने चने उबाले थे, थोड़े से काले चने उबाल कर रखे हुए हैं, वो भी हम चाट में डालेंगे, इनका भी अच्छा टेस्ट आता है। तो दही बना लेते हैं। अब हम मीठी दही डलती है इसमें, इसे आप अच्छे से हिलाकर इसमें स्मूथ कर लीजिए इसे, और 2.5 चम्मच चीनी एक बाउल में डल जाएगी इसमें, और इसे आप धीरे से हिलाकर मिक्स कर दीजिए। अपने आप ही इसके अंदर मिल जाएगी, पूरा ज़ोर से हिला के इसे आपने मिक्स नहीं करना है, बस इसे साइड पे रख दीजिए, ये अपने आप आपका दही बन जाएगा। तो अब हमें जो फाइनली चाट बनानी थी वो हम बनाने जा रहे हैं अब अपनी पापड़ी चाट। इसके लिए हमने लिए हैं गोलगप्पे, इन्हें हम ऊपर से तोड़ लेंगे जैसे कि मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। जगह बनाने के लिए सारी चीज़ों की फिलिंग्स डालनी हमें इसमें, तभी इसमें टेस्ट आएगा। तो अब हमने जो आलू चने वगैरह काट रखे हुए थे वो डाल लेंगे। अब इस तरीके से आप इसमें फिलिंग सारी डाल लीजिए, चने, और मैंने इसके बाद थोड़े से प्याज भी काटे थे, प्याज भी इसमें थोड़े थोड़े आप डाल दीजिए, अच्छा टेस्ट आता है, क्रंची टेस्ट आता है थोड़ा सा चाट में। इमली की चटनी आप डाल दीजिए, आधी आधी चम्मच पहले डल जाएगी, उसके बाद आप इसमें हरी चटनी जो हमने तैयार की थी वो डाल देंगे, थोड़ी थोड़ी सी, बिल्कुल ज़रा ज़रा सी जाएगी अभी इसमें। जैसे मैं बना रही हूँ वैसे आप बना लीजिए इसे, दही डाल दीजिए। ये चाट बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है, हमारे घर में तो ये फेवरेट है सबकी और बहुत ही टेस्टी बनती है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को फॉर मोर अपडेट्स। इस पर अब हल्की सी लाल मिर्च स्प्रिंकल कर लेंगे हम, और साथ ही अपना जो हमने मैजिकल स्पाइस मिक्स बनाया था वो डाल देंगे, उससे अच्छा टेस्ट आएगा। उसके बाद हम सेम प्रोसेस फिर रिपीट कर देंगे, इसमें दही डालेंगे, थोड़ी थोड़ी चटनी और थोड़ी सी अपनी इमली की चटनी भी ऐड कर देंगे इस पे। बिल्कुल बनाते बनाते ही मुंह में पानी आ गया है, बहुत ही अच्छी चाट बनकर तैयार हुई है। इस पे आप सेव स्प्रिंकल कर दीजिए, थोड़ी सी नमकीन सेव आती है बाजार, मिल जाती है आसानी से, वो डाल दीजिए। ऊपर थोड़े से अनार के दाने डाल दीजिए, ये ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है, अगर अवेलेबल है तो डाल लीजिए, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। दही पापड़ी हमारी बनकर तैयार है, दही बटाटा पूरी या दही पूरी कुछ भी कह सकते हैं आप इसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।